الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللهم صل على محمد وعلى محمد جاي باجي الاحترام صاحبان المفهم اس مقدس بارگاہ میں باب الحوائج फाउंडेशन इस इमाम बारगाह में कदीमी अशरेउल्ला की ये नवी मजलिस यानी शब आशूर की मजलिस, और यकीनन आप सब जानते हैं कि ये अशरा तो 10 दिन का होता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कदीम ज़माने से रिवाज है कि सोयम तक मजालिस का सिलसिला जारी रहता है, तो इंशाल्लाह कल भी मुअय्यन वक्त पर 5:30 बजे कल मग़रिब के बाद, अच्छा हाँ कल शाम ए ग़रीबा ठीक 5:30 बजे इंशाल्लाह यहाँ मजलिस होगी, तो आप हज़रात तशरीफ़ लाएंगे, बेहतर है कि नमाज यहीं पर पढ़ें क्योंकि नमाज के फौरन बाद मजलिस होगी, और उसके बाद 11 मुहर्रम को भी यहाँ मजलिस होगी इस टाइम पर, यानी 8 बजे ठीक 7:30 बजे, और 12 को भी इंशाल्लाह, और आज रात 2 बजे भी कासिम हसन साहब के घर या इनके बेटे के घर, एक ही घर है या मुझे नहीं पता, तो क्या नाम है बहादुर आतिफ के घर रात 2 बजे इंशाल्लाह मजलिस होगी मसाइब की, तो जो भी आ सके तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह, और इसी तरह से